वेलकम अगेन। ये है ब्यूटी सेगमेंट, और ब्यूटी में क्या होता है ये मैं आज आप उन लोगों को भी बताऊं, शायद उनको मालूम नहीं कि ब्यूटी होती क्या चीज है। मुझे लग रहा है उनकी नजर में ब्यूटी पता नहीं क्या चीज है, लेकिन ब्यूटी असल में जो हम लोग जो ब्यूटिशियंस को प्रेजेंट करते हैं, ड्रेस डिजाइनर्स को प्रेजेंट करते हैं, और स्किल्स को, एंटरप्रेन्योर्स वुमेन्स को, हैंडमेड वर्क को, ये सारी हमारी ब्यूटी इंडस्ट्री है जिसमें ये सारी वर्किंग होती है, या हम लोग क्या वेयर करते हैं, कैसा प्रेजेंट होते हैं, ये सब काउंट करते हैं ब्यूटी को। कुछ लोग बहुत ही ज्यादा ऐसे होते हैं जिनको मालूम ही नहीं होता कि ब्यूटी, उनके जहन में पता नहीं ब्यूटी क्या है, शायद दिखावा है, या मेरे ख्याल में उनको अभी भी सेंसिबल नहीं है। और इसके लिए एजुकेटेड होना जरूरी नहीं है, सेंसिबल होना बहुत जरूरी है। कभी कभी हम लोग कुछ ड्रेसिंग कर रहे होते हैं, लाइक कोई शर्ट वेयर कर रहे होते हैं वो, लेकिन वो पहनने में अच्छी लग रही हो, इसे नहीं कि अपने ऊपर एक बर्डन डाल दियो, मेकओवर उतना हैवी कर लियो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमें बहुत ज्यादा अवेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मौजूद है बड़ी सीनियर ब्यूटिशियन है फरूक मिर्जा, वो बताएंगे कि बेसिकली ब्यूटी की डेफिनेशन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सभी कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। लेकिन आप लेट हो गई, इसकी मैं बहुत नाराज हूँ। बहुत बहुत माजरत, लेकिन ये कि हाँ, ये तो अच्छे लोगों की निशानी, जल्दी माजरत कर लेते हैं। हाँ बस, और आपका चेहरा देख के सारी कुल्फत दूर हो जाती है, गर्मी की, हालात की, ट्रैफिक की, सब चीजों की। थैंक यू सो मच। मैं क्या बोलूं, अभी कुछ कहने के अल्फाज नहीं है। ये बताओ, ब्यूटी जो ब्यूटिशियंस, क्योंकि हम लोग ऑफ कोर्स आप भी ब्यूटी फील्ड से हैं और आप सैलून भी चला रही हैं जी, बेसिकली जो न्यू जनरेशन आने वाली, वो ब्यूटी को क्या समझती है? वेल सभी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल हम जिस जमाने में जी रहे हैं, पीपल हैव बिकम सो कॉन्शियस अबाउट ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। हमारे यहाँ लोग बहुत ज्यादा ऐसे हो गए कि यू नो, ट्रेंड जो चल रहा है वही ब्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें अर्ली 2000s की, जब ऐश्वर्या का जमाना था और वो सारी जीरो साइज यू नो बड़ा फैशन में था, तो हर किसी को था कि खूबसूरती इज साइज जीरो, खूबसूरती इज यू नो स्लिम होना एंड समथिंग। उससे पीछे हम जाएं अर्ली 90s में, लेट 80s में, तो आप देखें कि फरबा खवातीन जो प्लस साइज होती थी वो बड़ी फैशन में थी पाकिस्तान में, अंजुमन, एग्जैक्टली, हां जी, एंड देवर यू नो अपने दौर की वो मशहूर होती थी। और कितना आप माधुरी को देखिए, कूदती थी बकौल उमर शरीफ के वहां वीरान हो जाते थे खेत, लेकिन हमारा बहुत बड़ा नाम है जो बात है हमारी इंडस्ट्री का, अंजुमन। और अब आप देखिए तो फिर से दोबारा प्लस साइज की तरफ फैशन आ रहा है, किम कर्दाशियन आप देख लें या जितने इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं, सब प्लस साइज, अब उसके लिए सर्जरीज हो रही हैं। तो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो है ना, वो ट्रेंड के हिसाब से लोग बना लेते हैं कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप बात करें गोरा रंग, तो कहीं पे हमारे यहाँ जैसे ईस्टर्न सोसाइटी में गोरा रंग खूबसूरती की अलामत है, लेकिन आप जाइए अफ्रीका में, क्या मिस वर्ल्ड काली लड़कियां नहीं बनती? वो अपने पत्थरों को आप देखिए हैवी वो होंठों में लटकाती ताकि होंठ लटके और खूबसूरती की अलामत बने। तो एवरी ब्यूटी कम्स एवरी साइज एंड एवरी कॉम्प्लेक्शन, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप ब्यूटी को कैसे देखना चाहते हैं। एग्जैक्टली, आपका द वे यू कैरी योरसेल्फ, हाउ यू यू नो, जितना कॉन्फिडेंस आप फील करते हैं और उस हिसाब से अपने आपको पोर्ट्रे करते हैं, लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, दिस इज ब्यूटी। ब्यूटी फॉर मी इज कॉन्फिडेंस। कुछ लोग ना मैं कहती हूँ रेलेवेंट नहीं होते, उनको वो चीजें करनी भी नहीं चाहिए, नहीं जैसे फील्ड में है ना, अगर उनको नहीं सेंस से, या जैसे ब्यूटिशियन ने जबरदस्ती किसी ने कह दी जी आप ब्यूटिशियन बन जाए, तो मेरे ख्याल में अगर वो नॉलेज नहीं रखते तो उनको वो काम नहीं करना बिल्कुल चाहिए। जी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये नीम हकीम खतरा जान वाली बात है, आप किसी भी प्रोफेशन में देख लीजिए कि अगर आप प्रोफेशनल होकर नहीं कर रहे हैं तो आप बर्बादी। अनसंसियर लोग होते हैं जो जो काम कैपेबल उनके है नहीं है, और उनको वो दे दिया जाए और वो खामखई में उस काम का रेड़ा लगा देते हैं, और वो फजूल में, वो ना खुद अपी होते ना चाहे वो ब्यूटिशियन हो, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, मैं कहती हूँ एवरीथिंग, कुछ भी हम फील्ड को। इसके लिए मैं सच बताऊं सिंसियरिटी, क्योंकि आपसे कनेक्ट बहुत सारे लोग होते हैं। ट्रू, वेरी ट्रू। अगर आप किसी के ऊपर गलत मेकओवर कर दें, उसकी स्किन डैमेज हो जाए, आप हेयर पे केमिकल्स लगा रहे हैं, उसके बाल डैमेज हो जाए, तो क्या है कि उसकी तो ब्यूटी खत्म हो गई ना फिर तो। एक्चुअली सभी, मुझे ऐसा लगता है, और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक मैसेज देना चाहूं मैं, कि मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज पढ़ाई बड़ी जरूरी है। लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे टेक्निकल स्किल है, सिर्फ सीख लिया हाथ का काम या देख कर आ गया ट्यूटोरियल्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक से, ऐसा नहीं है, पूरी पढ़ाई है। स्किन की लेयर्स क्या है, हेयर का क्या टेक्सचर है, क्या उसका हिसाब किताब है, पूरी पढ़ाई है, कलर करेक्शन एंड ऑल दैट, आप पढ़े बगैर कैसे कर सकते हैं? अब एक दाई को आप देख लें, वो गायनाकोलॉजिस्ट नहीं बन सकती, लेकिन लोग कर रहे हैं और फिर बर्बादियां लगाते हैं। तो हर चीज एक प्रोफेशनल यू नो प्रॉपर चैनल के थ्रू आप काम करें तो वो प्रोफेशनल कहलाता है, और इसमें गड़बड़ के चांसेस ना होने के बराबर है। बहुत अच्छी बात की। अनप्रोफेशनल में क्या होता है, बहुत सारे लोग इसमें आपसे
आपके क्लाइंट खराब हो जाते हैं। मैं ये समझ खराब होते हैं, मुझे लगता है कंज्यूमर कोई भी है, चाहे वो 5 रुपए दे रहे हो या 5 लाख रुपए दे रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वो अपना खाली पैसा नहीं जाया कर रहा, उसकी जिंदगी और स्किन इज यू नो आपका फेस, आपके बाल या आपका कॉन्फिडेंस है। आप देखिए एक वो लड़की जिसको तेजाब से जली लड़कियों की बात अगर हम अब करें, लोग खुदकुशियां कर लेते हैं बिकॉज ये कि आप देखिए कि आपका फेस, आपके बाल, आपकी कॉन्फिडेंस है। अगर आप उनको कॉन्फिडेंस ही खत्म कर दें जिंदगी में, फिर क्या रह जाता है? आप स्किन बाल खराब कर दें तो लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं। आप इवन मर्दों को देखिए, हेयर लॉस होता है उनको, वो गंजपन की तरफ जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ भी खराब होती है, प्रोफेशनल लाइफ भी खराब होती है, आप लोगों का सामना नहीं करता, आइसोलेशन की तरफ जाते हैं। डिप्रेशन इज वेरी कॉमन दीज डेज। ओके, हमारे दरमियान माशाल्लाह फारूक मिर्जा भी मौजूद है, लेकिन आज इनके साथ कम टाइम हमारा गुजरा है, और आपने फिर मंडे को एक स्पेशल अगेन आना है पक्का, और सीमा भी आ रही है। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट, इंशाल्लाह ताला उनके साथ भी। अच्छा, समीना से बात करेंगे, समीना की प्रेजेंटेशन रेडी है। समीना, मैं आपकी पहले प्रेजेंटेशन दिखा दूं, फिर थोड़ा सा आपसे मैसेज लेंगे। आज ये सॉन्ग प्ले कर दे समीना का, जब से मैं मैसेज लेती हूँ। समीना, क्या कहना चाहेंगे, ब्यूटी फील्ड में आप आई हैं पीबीए के प्लेटफॉर्म पर, कैसा लगा आपको? ब्यूटी फील्ड का तो एक तो ये था कि बिल्कुल आपकी बात के और मैम की भी बात बिल्कुल सही थी कि आपका जो है ना सेंस तो होना चाहिए आपको फैशन का, और हर चीज, और उसके साथ साथ थोड़ी सा एजुकेट भी होना बहुत जरूरी है। तो ये था कि शुरू से ही मुझे शौक था, मैं फैशन का मतलब मेकअप करती रहती थी, मार भी पड़ती थी घर से कि अभी तो स्कूल का है, और छुप छुप के मेहंदी भी लगाती थी। तो फिर दूसरी बात यह है कि इस फील्ड में जो है ना जब आप आ जाते हो ना तो आप बड़ा क्रिएटिव माइंड बन जाते हो। तो यहाँ आने के बाद जो है ना आपकी स्किल्स जो है वो आपको, आपने अपनी सोच, अपने टैलेंट, आपके अंदर की जो आपकी पर्सनालिटी, आपकी इनर पर्सनालिटी जो है ना वो आप प्रेजेंट कर रहे होते हो, जबरदस्त। तो ये चीज होती है। और फिर दूसरा, जहाँ आप पीबीआई की बात है, तो मुझे ये फर्स्ट प्लेटफॉर्म ऐसा मिला क्योंकि मैं 8 साल से इस फील्ड से जो है वाबस्ता हूँ, और अपने एरिया में जो सैलून चला रही हूँ, तो वहाँ की जो जेंट्री है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनका जो इस वाकई जो स्किन को लेके जो बात हुई कि आपको स्किन का पता होना चाहिए है उसका, तो उसमें वहाँ पर ये कि वहाँ पर मैं जो काम कर रही थी, और जो इस प्लेटफॉर्म पे आके जो मैंने इतनी सारी ब्यूटिशियंस को देखा, फिर सीनियर टीचर्स को भी देखा, कहने का मकसद है कि सीखने का बेहतरीन, सीखने का बेहतरीन मौका मिला, और बहुत जो है बुशरा जाते जाते आप क्या चंदा मैसेज दोगे, कैसा लगा यहाँ पर चंदा? यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, यहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ता है लड़कियों का, और मैं कहती हूँ जो ब्यूटिशियन स्टार्ट कर रही हैं वो जरूर आए यहाँ पर, और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया पीबीआई ने। नेक्स्ट टाइम एक और प्रेजेंट लेकर आओगे इंशाल्लाह। बहुत चले इन लोगों की अभी जो प्रेजेंटेशन इन्होंने बनाई है, हम वन बाय वन वो देखते हैं। सॉन्ग प्ले करें, ठीक है जी। सबसे पहले समीना की प्रेजेंटेशन। Thank you.
थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप लोग इस साइड पर हो जाए दोनों, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं बात करूंगी आपसे, मुझे ये बताएं कि आगे क्या देखते हैं ब्यूटिशियंस का, आगे स्कोप क्या है जो बच्चियां अगर फील्ड में आ रही हैं तो? सभी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक तो ये ट्रेंड है कंपैरेटिव टू द रीजन। हमारे यहाँ बहुत स्कोप भी है और हमारे यहाँ अच्छे इंस्टीट्यूशंस भी बन गए हैं, और इसके अलावा लोगों में बहुत क्रिएटिविटी है, शौक है, चाहत है इस चीज़ की, और इसका रिटर्न बैक भी लोगों को बड़ा अच्छा आता है। फील्ड बड़ी अच्छी है, सिर्फ खवातीन अच्छे से घर में भी कर सकती हैं, बाहर भी कर सकती हैं, बीइंग प्रोफेशनल सैलॉन्स में भी कर सकती हैं। हमारे यहाँ यू नो सोसाइटी की बैरियर्स बहुत हैं, ये लड़कियां बाहर नहीं जाएं, ये सब इशू अभी भी बहुत जगहों पर ऐसा होता है। तो घर पे बैठ के भी लड़कियां अपना यू नो स्टूडियो खोल सकती हैं, और एट द सेम टाइम कुकिंग, बच्चे पालना, घरदारी के कामों के साथ भी अपने काम कर सकती हैं। इवन ये कि मैं खुद ब्रांड एम्बेसडर हूँ सोच प्राइवेट लिमिटेड के लिए, तो ये एक इंस्टीट्यूशन है बहुत बड़ा जहाँ लोगों को सिखाया जाता है। तो इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, इतना पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं कि आई वाज अमेज्ड कि इतने इंस्टीट्यूट अब खुल गए हैं, लेकिन फिर भी यू नो लोग उतने ही हैं, सीखने के शौक रखते हैं और आगे बढ़ने की चाहत है लोगों। नेक्स्ट टाइम आपका मुझे यहाँ पे डेमोंस्ट्रेट चाहिए, देन ओके, अब डिपेंड ऑन यू कि आप हेयर स्टाइल बनाना चाहेंगी, मेकओवर या हेयर कलर आपके ऊपर, ये डन हो गया, आप कोई स्किप नहीं करने, मंडे को डन हो गया, आपके लिए ना कर ही नहीं सकते। थैंक यू सो मच, आप अपनी टीम के साथ आए और प्रेजेंट करें, अब आपकी मर्जी, आप डेमो यहाँ पे खड़े होके करने, आपकी टीम ने करना, ऑफकोर्स आप ही ने सिखाया, तो वो जो भी करेंगे वो आप ही का इंस्ट्रक्शन है। थैंक यू, थैंक यू सो मच अगेन, और समीना आपका शुक्रिया, बुशरा आपका बहुत शुक्रिया, और जी नाज़रीन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत, लेकिन सॉन्ग प्ले करने जाते जाते इनकी प्रेजेंटेशन एक बार फिर आप आ जाओ समीना की, उसके बाद फिर जी सॉन्ग प्ले कीजिए।